ठकुराइन यशोधरा जी ने देखा कि उनकी बहू बरामदे में बहुत उदास बैठी है, तो वो अपनी बहू के पास गई और बहू को संबोधित करते हुए बोली, बहू क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा नौवां महीना चल रहा है और इन दिनों तुम्हें खुश रहना चाहिए, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिनों से तुम बहुत उदास रहती हो। क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मगर इस तरह उदास मत रहो। क्या हमारी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा? अगर लगा हो तो हमें बताओ, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। बहू राजलक्ष्मी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि आप तो हमें बहुत प्यार करती हैं। आपने हमें अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तो बहू, फिर क्या बात है जो तुम इस तरह उदास हो? तुम हमें बेहिचक बता सकती हो। राजलक्ष्मी ने अपनी सास की तरफ बहुत गौर से देखा और फिर सकुचाते हुए कहने लगी, माँ आप तो जानती हैं, इससे पहले हम दो बेटियों को जन्म दे चुके हैं, और अगर इस बार भी बेटी हुई तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया है कि इसके बाद हम कभी माँ नहीं बन सकते। बस यही चिंता हमें दिन रात खाई जाती है। अगर हम इस घर को उसका वारिस नहीं दे पाए तो भानु प्रताप जी इस घर के वारिस के लिए दूसरा विवाह ना कर लें। अगर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया तो हम क्या करेंगे? हमारी ज़िंदगी तो अंधकार में चली जाएगी। हम उनके बिना नहीं रह सकते, और बिना वारिस के इतनी ज़मीन जायदाद कौन संभालेगा? बहू, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, क्या भानु प्रताप ने तुमसे कभी बेटे के बारे में बात की है कि उसे बेटा ही चाहिए? क्या कभी उसने कहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा अगर तुमने वारिस नहीं दिया तो? राजलक्ष्मी ने उदास होकर कहा, नहीं माँ, उन्होंने मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हमने कभी तुमसे कहा है कि हमें पोता ही चाहिए? क्या हमने कभी बेटी होने पर अफसोस जताया है? हमने अपनी पोतियों के इस दुनिया में आने का स्वागत ऐसे ही किया है जैसे हम अपने पोतों को करते हैं। बेटा और बेटी दोनों भगवान के हाथ में हैं, भगवान सब जानते हैं किसको क्या देना है। मैं तो अपनी पोतियों से बहुत खुश हूँ, मेरी जिगर का टुकड़ा है वो दोनों, और अगर इस बार भी पोती हुई तो वो भी मेरी जिगर का टुकड़ा ही बनेगी। यशोधरा जी ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा। राजलक्ष्मी बोली, लेकिन माँ। लेकिन क्या बेटा? यशोधरा जी अपनी बहू से खड़ी हुई और राजलक्ष्मी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो बेटा और बेटियों में कोई भेद नहीं करता। ऐसे समय में तुम्हें खुश रहना चाहिए, किसी भी चिंता से तुम्हें दूर रहना चाहिए। अगर फिर भी तुम अपने मन से ये बात नहीं निकाल पा रही हो तो तुम्हारे मन का भय दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, पर यहाँ नहीं, चलो मेरे कमरे में चलो, मैं वहीं तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे मन से सारा भय निकल जाएगा। यशोधरा जी राजलक्ष्मी को अपने कमरे में लेकर आती हैं और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा देती हैं और खुद आराम चेयर पर बैठकर कहानी सुनाना शुरू करती हैं। आज से 40 साल पहले की बात है, आज से 40 साल पहले की बात है, ठाकुर आदित्य प्रताप सिंह प्रतापपुर के एक बड़े जमींदार थे। लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट ठाकुर जी सफ़ेद कुर्ता पजामा ऊपर सदरी में किसी राजा से कम नहीं लगते थे। हाथ में सुनहरी घड़ी, उनकी मूछें उनकी शान थी। जिधर से गुजरते लोग झुककर उनका सम्मान करते थे। जितना अनुशासित थे उतने ही सभ्य। गांव की कोई समस्या हो उसके हल के लिए गांव वाले ठाकुर जी के पास ही जाते थे। वो हमेशा सच का साथ देते थे। उनके न्याय और आदर्श की प्रशंसा दूर दूर के गाँव में भी होती थी। साथ ही वे अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। गलत बात उन्हें सहन नहीं होती थी। उनके क्रोध का शिकार कोई भी नहीं बनना चाहता था। जो कहते थे वो करके दिखाते थे। धन वैभव ख्याति सभी कुछ था उनके पास। उनकी पत्नी यशोधरा भी रूपवान गुणवान थी, किसी चीज़ की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ एक बात की,
तीन लड़कियों के बाद उन्हें अपने वंश वृद्धि की चिंता सताने लगी थी। अक्सर अपनी पत्नी यशोधरा को दूसरा विवाह करने की धमकी दिया करते थे। अक्सर ही उससे रूखे स्वर में बात करते और उखड़े उखड़े रहते थे। यशोधरा ठाकुर जी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। यशोधरा भी समझती थी ऊंचे घराने की होने के नाते ही वो अपने पति की शिकायत किसी से नहीं करती थी और ना ही झगड़ा करती थी। वो भी अच्छी तरह जानती थी कि ठाकुर साहब ऐसा कर भी सकते हैं, परंतु उसकी सहनशीलता और अच्छाई की वजह से ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं। धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी की उम्र 12 साल की हो गई थी। ठकुराइन को भी अपनी उम्र की चिंता सताने लगी थी। उन्हें भी पुत्र मोह था। पुत्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी ना थी। दिन रात इसी सोच में रहती, पूजा पाठ और ऋषि मुनियों की सेवा और मंदिरों में मन्नत मांगने तथा व्रत और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ में उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। उनके घर में काम करने वाले भी मालकिन को दिन रात परेशान और पुत्र के लिए प्रयासरत देखते रहते थे। उनमें से एक बूढ़ी दाई माँ थी जिन्होंने ठाकुर साहब को भी उनके बचपन में पाला पोसा था। एक दिन यशोधरा अपना दुख बांटते हुए दाई माँ के सामने उसका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने दाई माँ को ठाकुर जी के पुनर्विवाह के बाद की बात भी बताई। दाई माँ को भी चिंता होने लगी। उन्होंने ठाकुराइन का ढांढस बढ़ाया और उन्हें एक बैद जी के पास चलने के लिए तैयार कर लिया। वहाँ जाने और आने में 2 दिन का समय लगने वाला था, तो ठाकुर जी को बिना बताए जाने का सवाल ही नहीं उठता था। पर और कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह हिम्मत करके रात के खाने के बाद यशोधरा ने ठाकुर साहब से दाई माँ के साथ वैद्य जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। पहले तो ठाकुर साहब थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, घर में सबको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का बोल दीजिए, क्योंकि काशी नगरी भी पास ही है, और महादेव के दर्शन भी कर लीजिएगा। आपके आने जाने का इंतजाम हम कर देते हैं। बच्चों को 4 दिनों के लिए ननिहाल भेज दीजिए। यशोधरा खुश होकर बोली, जी ठाकुर जी ने कहा है, पिताजी से आज्ञा लेकर जाइएगा। यशोधरा के लिए ये भी एक चिंता का विषय था। अब पिताजी से क्या कहेगी। उसने सारी बातें दाई माँ को बताई। दाई माँ ने आश्वासन दिया कि तुम परेशान ना हो, बड़े मालिक से हम बात कर लेंगे। दाई माँ ने बड़े ठाकुर साहब से कहा, जान की सलामती हो तो आपसे एक आज्ञा लेनी है। बड़े मालिक बोले, क्या बात है दीनू की माँ। दाई माँ बोली, काशी के पास एक बहुत बड़े बैद जी हैं, उनके पास से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बड़े मालिक ने हैरान होकर कहा, तो दाई माँ हिम्मत करके बोली, मेरी बड़ी इच्छा है कि ठकुराइन को एक बार उनके दर्शन करा दें। भोलेनाथ की कृपा हुई तो एक वर्ष में लल्ला खेलेगा आपके आंगन में। बड़े ठाकुर साहब बोले, आदित्य ने क्या कहा। दाई माँ ने उत्तर दिया, उन्होंने तो आज्ञा दे दी है, पर आपसे आज्ञा लेने को कहा है। ठकुराइन सकुचा रही थी, इसलिए मैं बड़े ठाकुर साहब बोले, दीनू की माँ, तुमने इस घर की 3 पुश्तों से सेवा की है, हमेशा हमारे घर का भला ही सोचा है, और तुम्हारी ईमानदारी पर हमें जरा भी शक नहीं है। बहुरानी के लिए तुमने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बहुरानी भी बहुत भली और संस्कारी है, इतने वर्षों से कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हम भी उसे बेटी समान ही मानते हैं। हम नहीं चाहते उसके साथ कुछ गलत हो या अन्याय हो। यशोधरा दरवाजे की ओर से खड़ी होकर सब सुन रही थी। उसकी आंखों में पिताजी के स्नेह भरी बातें सुनकर आंसू आ गए। ठीक है दीनू की माँ, बहु बेटे की यही इच्छा है तो ले जाओ, आखिर वंश भी तो चलाना है। अंतिम समय में पोते का मुंह देख ले, हमारी भी यही आखिरी इच्छा है, आगे भोलेनाथ की इच्छा। दाई माँ खुश हो गई, बड़े मालिक की जय हो। बड़े मालिक बोले, पर एक बात का ध्यान रखना, गांव में इसकी चर्चा ना हो। दाई माँ ने कान पकड़कर कहा, राम राम। नहीं मालिक, आपका नमक खाया है, नमक हरामी मेरे खून में नहीं है। बड़े मालिक ने कहा, ठीक है, और कहकर अंदर चले जाते हैं। दाई माँ खुश होकर कहती हैं,
चलो ठकुराइन जाने की तैयारी करो। ठकुराइन हाथ जोड़कर दाई माँ से कहती है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दाई माँ हंसते हुए कहती है, बहूरानी एहसान काहे का, पोता हो जाए तो कान के बाले लूंगी, वो भी सोने के। ठकुराइन भी हंसकर बोली, आप जो कहेंगी। अगले दिन यशोदा ने तीनों बच्चों को तैयार करके समझा बुझा कर नानी के घर भेज दिया, साथ ही अपनी माँ के नाम एक पत्र भी भेज दिया, जिसमें काशी दर्शन के बाद स्वयं आकर बच्चों को ले जाने की बात थी। बच्चों के जाने के बाद यशोदा निश्चिंत हो गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने देखा ठाकुर साहब भी रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह 4 बजे ही यशोदा को निकलना था, वो 2 बजे से उठकर सारे काम निपटाने लगी। गाड़ी आ गई, दाई माँ ने इशारा किया चलने के लिए। ठकुराइन कमरे के अंदर गई, ठाकुर साहब खड़े होकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। ठकुराइन ठाकुर साहब के पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर साहब यशोदा को गले लगाते हैं और कहते हैं, मैंने शायद तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाई है, पर मैं क्या करूं, मेरे सिर पर भी इस परिवार की और इस गांव की जिम्मेदारी का बोझ है, इसलिए मैं मजबूर हूं। यशोदा मैं समझती हूं, आपसे कोई शिकायत नहीं है, परिवार के लिए जो ज़रूरी है आप कीजिए, पर एक आखिरी कोशिश भी कर लेने दीजिए। मुझे यकीन है इतने वर्षों की पूजा का फल प्रभु मुझे अवश्य देंगे। दाई माँ आवाज़ लगाती है, ठकुराइन ओ ठकुराइन। यशोदा कहती है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठकुराइन एक सुंदर कदकाठी की सभ्य महिला थी, गोरा रंग, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, हाथों में सोने के मोटे मोटे कड़े, गले में मंगलसूत्र और मोटी चैन, हाथों में सोने की 3 अंगूठियाँ जिसमें एक पन्ने की थी चमकती रहती थी, पैरों में बिछुए और मोटी पाजेब जिसकी छम छम की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजती रहती थी। दाई माँ ने उन्हें साधारण साड़ी पहनकर चलने के लिए कहा था, इसलिए हमेशा की तरह जरी की साड़ी पहनने वाली ठकुराइन ने उस दिन एक मामूली सूती साड़ी पहनी थी। काली लाल मामूली सूती साड़ी भी उन पर बहुत जच रही थी। जल्दी में अपने जेवर उतारना भूल गई थी, क्योंकि वो तो उनके रोजमर्रा के गहने थे। भोर में कार में बैठकर जब दोनों चली तब बहुत अंधेरा था। दाई माँ आराम से खर्राटे लेकर सो रही थी, पर यशोदा की आंखों में नींद नहीं थी। 2-3 घंटे बाद जब उनकी आँखें खुली तो ठकुराइन की कंचन काया पर उनकी दृष्टि गई। दाई माँ ने कहा, ठकुराइन इन गहनों की क्या आवश्यकता है, योगियों के पास साधारण ही जाना चाहिए। ठकुराइन को तब ध्यान आया, जल्दी में वो अपने गहने उतारना भूल गई थी। उन्होंने सारे गहने एक रुमाल में बांधकर दाई माँ को दे दिया। ठकुराइन कहने लगी, दाई माँ मेरे हाथ में चूड़ियाँ भी नहीं है, ये तो सुहाग की निशानी है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी सूनी कलाइयों को देखते हुए उन्होंने कहा। दाई माँ ने अपने हाथ से उतारकर 2 लाल चूड़ियाँ ठकुराइन को दे दी और बोली, बेटा इसी से काम चलाओ। अभी ठकुराइन ने चूड़ियाँ पहन ली। 3 घंटे बाद वो बाबा के आश्रम पहुँच गई। वहाँ मिलने वालों की लाइन लगी थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगा दी और बोला, मालकिन आप बैठी रहिए, मैं कतार में लग जाता हूँ, आपका समय जब आएगा तब आ जाइएगा। यशोदा ने सहमत जताई। यशोदा बाबा के सामने पहुंची, बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने कहा, सदा सौभाग्यवती रहो। बाबा ने यशोदा की कलाई पकड़ी, उसकी नब्ज की जांच कर रहे थे। उसकी गोरी कलाइयों में 2 लाल कांच की चूड़ियां भी शोभा दे रही थी। बाबा ने कहा, पुत्री तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, तुम में कोई कमी नहीं है। यशोदा बोली, परंतु बाबा, बाबा ने 3 पुड़िया देते हुए कहा, अपने पति को ये 3 दिन लगातार खिला देना। यशोदा आश्चर्य से दाई माँ की तरफ देखती है, तो दाई माँ वहाँ से चलने को इशारा करती है। यशोदा पूरे रास्ते बिल्कुल शांत थी। वो घर आती है तो समझ नहीं पाती क्या करे क्या नहीं। जो बात बाबा ने कही ठाकुर जी को बता नहीं सकती, क्योंकि कमी औरतों में हो सकती है, ठाकुरों में नहीं। सोचकर उसका मन सिहर जाता था। ऐसी बात सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जब से वो घर वापस आई है वो गुमसुम सी हो गई थी, हमेशा अपनी सोच में डूबे रहने लगी थी। बच्चियां भी कुछ कहती तो हाँ हूँ में ही जवाब देती रहते रहते उसकी आंखें आंसू से भर जाती थी। उसे अब अपनी उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी।
यशोधरा रात को अपनी तीनों बच्चियों को प्यार से सुला रही थी। बार बार सर पर हाथ फेरती, कभी उनके गालों को सहलाती, कभी उनकी नज़र उतारती। उसे अब रह रहकर डर सता रहा था कि ठाकुर साहब अब जरूर दूसरा विवाह कर लेंगे। बेटे की चाह में अब उसके पास भी कोई और चारा नहीं था उन्हें रोकने का, क्योंकि यशोधरा ने उनसे आखिरी मौका मांगा था। उसे अपनी चिंता नहीं थी, वो तो सौतेली माँ के आने से उसके बच्चों का क्या होगा, ये सोच कर काँप जाती थी। बच्चे सो गए थे तभी उसे बगल के कमरे में किसी के आने की आहट हुई। वो समझ गई ठाकुर जी अपने कमरे में आ गए हैं। तभी धीरे से उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ी। उसने देखा ठाकुर जी बिस्तर पर लेटे हैं। यशोधरा को देखकर उन्होंने कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, जरा भी समय नहीं मिला विश्राम करने का। यशोधरा बिना कुछ बोले उनके पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, यशु। यशोधरा बोली, जी। ठाकुर जी बोले, कहाँ खोई हो? यशोधरा ने कहा, नहीं नहीं सुन रही हूँ, कहिए ना। ठाकुर जी पूछने लगे, आज 3 दिन हो गए तुम्हें बैद जी के यहाँ से आए हुए, तुमने कुछ बताया नहीं कि वहाँ क्या हुआ। यशोधरा जी सकुचाते हुए बोले, कुछ खास नहीं बाबा, बोले सब ठीक है। ठाकुर जी ने फिर से पूछा, कोई दवाई नहीं दी है? नहीं जी, ठाकुर जी ने उत्सुक होकर पूछा। अच्छा, विश्वनाथ जी के दर्शन हुए? यशोधरा बोली, जी हुए। ठाकुर जी कहने लगे, आपने तो हमें प्रसाद भी नहीं दिया, प्रसाद नहीं लाई क्या? यशोधरा थोड़ा खुश होते हुए बोली, जी लाई हूँ। यशोधरा की आंखों में चमक आ गई कुछ सोचकर, लेकिन प्रसाद में भभूत मिला है। ठाकुर जी, ओ भभूत है, वो तो मुझे खाते ही सरक जाता है, खांसी आ जाती है। यशोधरा जल्दी से बोली, तभी तो नहीं दिया, बाबा ने कहा है 3 दिन खाना है। ठाकुर जी कुछ सोचकर बोले, अच्छा तो एक काम कीजिएगा, कल हमें खीर में डालकर दे दीजिएगा, भोलेनाथ का प्रसाद है, हम अपमान नहीं कर सकते। यशोधरा खुशी मन से प्रभु का मन ही मन धन्यवाद करती है, जी बहुत। अगले 3 दिन खीर में मिलाकर भभूत ठाकुर जी को दे दिया जाता है। इस तरह यशोधरा ठाकुर जी से झूठ बोलने से भी बच गई और काम भी हो गया। 2-4 दिन बाद बड़े ठाकुर साहब बोले, बहू रानी आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, जरा स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। यशोधरा ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताजी। बड़े ठाकुर साहब बोले, आज कुछ लोग आदित्य को देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही यशोधरा के पैर जैसे अपनी जगह पर जम गए, आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर बाद बहुत भारी मन से रसोई की तरफ गई। उसने सारी व्यवस्था खुद अच्छे से की, शायद अब उसने भी अपने मन को समझा बुझा कर पत्थर का कर लिया था। ठाकुर जी की खुशी के लिए उसे सब मंजूर था। वो समझती थी वंश बढ़ाना कितना जरूरी है, क्योंकि बेटियां तो एक दिन अपने घर चली जाएंगी। यशोधरा मेहमानों के आने से पहले अपने कमरे में चली गई और अपने तीनों बच्चों को भी ले गई, ताकि कोई भी मेहमानों के सामने ना जाए। बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते यशोधरा का ध्यान बाहर की आवाज़ों पर जा रहा था। कोई कहता, आपका घर तो बहुत बड़ा है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमारी बहन को राज करेगी। फिर हंसने की आवाज़ें। यशोधरा के लिए ये सब सुनना असहनीय हो रहा था। बार बार आंसू आ जाते थे आंखों में। कोमल, जो बेटियों में सबसे बड़ी थी, उसने पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो? यशोधरा बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे नींद आ रही है। कोमल, तो आइए हम आपको सुला देते हैं। यशोधरा ने उनकी छोटी सी गोद में अपना सर रख दिया। कोमल भी अपने कोमल हाथों से माँ का सर सहलाने लगी। छोटी खुशी माँ के पैर दबाने लगी। सबसे छोटी नैना मुंह में अंगूठा चूसते हुए माँ के आगोश में सो गई। चिड़ियों की चहचहाने से यशोधरा की नींद खुली तो घबरा गई कि कितनी देर तक सोती रही है। उसकी सभी बच्चियां आसपास में ही सो गई थी। खुशी तो पैर दबाते हुए पैरों के पास ही सो गई थी। यशोधरा ने सबको व्यवस्थित किया और खुद बाहर आ गई। उसने नहा धोकर घर का सारा काम किया, परंतु ठाकुर जी के सामने नहीं गई। यशोधरा की सारी खुशियां पल में
चूर चूर हो गई थी। वो ठाकुर जी के सामने नहीं जाना चाहती थी। अब आगे यशोधरा ने नाश्ता भिजवा दिया, रात का खाना भी भेज दिया, जबकि वो खुद सामने बैठकर वर्षों से ठाकुर जी को हमेशा से खाना खिलाती थी। ठाकुर जी ने भी खाना खा लिया, परंतु यशोधरा के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। रात में भी वो बच्चों के पास ही सो गई। इसी तरह दो दिन बीत गए, परंतु यशोधरा और ठाकुर जी का सामना नहीं हुआ। रसोई में काम करने वाली इमरती ने बताया, ठाकुर जी का ब्याह तय हो गया है, लड़की मात्र 18 साल की है। सुनते ही सब्जी काटती हुई यशोधरा का हाथ हसुआ से कट गया, तेज धार से खून बहने लगा। इमरती ने देखा, वो ठाकुराइन का दर्द समझती थी। उसने कहा, मालकिन आप जाइए, मैं सब कर लूँगी। यशोधरा वहाँ से चली गई। ठाकुर साहब घर पर नहीं थे तो यशोधरा अपने कमरे में गई। वहां जाकर अपने कमरे का कोना कोना देखकर उसे रोना आ गया। उसे लग रहा था कि यह सब जो कल तक उसका था अब उसका नहीं रहेगा। तभी उसकी नज़र ठाकुर जी के सफ़ेद कुर्ते पर पड़ी जो उन्होंने नहाने से पहले पहना था। यशोधरा ने उस कुर्ते को अपने सीने से लगा लिया। वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। उनसे दूर होने के ख्याल से ही उसके दिल के कई टुकड़े हो रहे थे। उनके कुर्ते को अपने हाथ में लेते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। आज रोते रोते उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। जब से शादी करके आई थी, किस तरह उसने अपने परिवार की खुशियों के लिए क्या क्या त्याग किया, सब कुछ कहकर रोती जा रही थी। शायद वो ठाकुर जी के सामने कभी ना कह पाती, इसलिए ठाकुर जी के कुर्ते से ही सारी शिकायतें कर डाली। मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि आपकी खुशी के लिए मुझे अपनी सौतन भी मंजूर है, परंतु मुझे पता था कि आप मुझसे ज़रा भी प्रेम नहीं करते। किसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, पीछे से ठाकुर जी ने कहा। ठाकुर जी की आवाज़ सुनकर यशोधरा हड़बड़ा कर उठ गई। आप कब आए, यशोधरा ने कहा। ठाकुर जी बोले, थोड़ी देर पहले जब आप मेरे कुर्ते से लिपटकर शिकायत कर रही थी, जो आपने मुझसे कभी नहीं कहा। यशोधरा ने पलकें नीचे झुका ली। मुझसे भाग्यशाली तो मेरा कुर्ता ही है जिससे आप इतना प्रेम करती हैं कि अपने मन की बात तो कहती हैं, शिकायतें करती हैं, झगड़ा करती हैं। मुझे ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त ही नहीं हुआ कि मैं आपका ये रूप देख सकूं। यशोधरा के शर्म से गाल लाल हो गए, बड़ी बड़ी आँखों में आंसू थे, आंखें भी लाल थी और सूजी थी। ठाकुर साहब यशोधरा के करीब आए। यशोधरा पलंग के किनारे मच्छरदानी का डंडा पकड़े सकुचाई सी कुर्ता पकड़े खड़ी थी। ठाकुर साहब यशोधरा के पास आकर बैठ गए। अपने हाथों से यशोधरा का हाथ लेकर बोले, यीशु तुमने अपने आप को देखा है। यशोधरा ने पलकें उठाकर ठाकुर जी को सवालिया नजरों से देखा। यीशु मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसी खूबसूरत महिला नहीं देखी। आप तन से ही नहीं मन से भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरी माँ बचपन से ही चली गई, उनकी यादें भी नहीं हैं मेरे पास। जो औरत मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे सबसे कीमती है, मेरे लिए जिसने ज़िंदगी के हर फैसले में मेरा साथ दिया, सलाह दिया, प्यार दिया, मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया, मेरे पिताजी को अपने पिता से बढ़कर सम्मान दिया, मेरे बच्चों की परवरिश की, नौकर चाकर को भी अपना भाई बहन समझा, दूसरों के दुख से दुखी होने वाली इस पूरे घर की इकलौती मालकिन होते हुए भी किसी प्रकार का कोई घमंड जिसे छू भी नहीं पाया। आपके मायके ससुराल को मिलाकर आपके पास बहुत सारे गहने हैं, परंतु आप सादगी की मूरत हैं। अपने पूजा पाठ से इस घर को आपने मंदिर बना दिया है। कौन सा गुण है जो आप में नहीं है? आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दिया है, बदले में किसी से कुछ नहीं मांगा। स्त्री अपने छल कपट से, अपने रूप के जादू से किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती है, पर आपने कभी झगड़ा तो दूर, शिकायत भी नहीं की। आज भी मैं आपके साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहा हूँ, तभी भी आप कुछ नहीं कह रही हैं, क्योंकि मेरी खुशी में ना चाहते हुए भी आप खुश हैं। यशोधरा बस सुनती रही। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, उसकी नाक लाल हो गई थी, उसकी साड़ी का आंचल उसके कंधे से गिर रहा था, उसके बाल खुल गए थे, खुले बाल उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे।
खिड़की से जब हवा चलती तो उसके बालों की लट बार बार उनके चेहरे पर आ जाती। यशोदरा सर झुकाकर सब सुन रही थी। ठाकुर जी भी कम बोलते थे, पर आज क्या हुआ जो इतना सब कह रहे थे। पर क्या ही फायदा आज इन खूबियों को गिनाने का, जब 18 साल की लड़की के साथ ब्याह तय करके आए हैं। यशोदरा की आंखों से ये सोचकर फिर से आंसू आ गए। ठाकुर जी बोले, यशो तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी औरत हो जिससे मैं बे इंतहा प्रेम करता हूँ। इतने सालों में तुमने मुझे कभी अकेले भोजन नहीं करने दिया, परंतु 2 दिनों से तुम मेरे सामने भी नहीं आई। क्या मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं समझता हूँ, पर सच तो ये है कि मैं भी तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। पिताजी का और घर के बड़े रिश्तेदारों का बहुत दबाव था। मैंने कभी पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, परंतु ये मुझसे नहीं होगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मुझे न्याय के लिए जाना जाता है। अपने ही घर में मैं इतना बड़ा अन्याय कर सकता, मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा। आपको बिना किसी गलती की सजा नहीं दे सकता। मुझे आपकी हंसी और पायल की आवाज से प्यार है, इसके बिना मैं नहीं रख सकता। आपको दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। आप मेरे लिए देवी हो। ठाकुर जी के इतना कहते ही यशोदरा ने अपना हाथ ठाकुर जी के होठों पर रख दिया। दोनों की नजरें मिली, दोनों की आंखों में आंसू थे। ठाकुर जी ने यशोदरा के हाथों को पकड़कर अपने पास बुलाकर बैठाया और बोले, मुझे ऐसे किसी वंश और बेटे की आवश्यकता नहीं है जो हमारी सारी खुशियों को ख़त्म कर दे। यशोदरा के माथे पर बल पड़ गए। उसने आश्चर्य से ठाकुर जी की तरफ देखा, उसकी नज़रें सवाल कर रही थी। ठाकुर जी ने आगे कहा, हाँ यशु, मैंने पिताजी से बात कर ली है और शादी के लिए मना भी कर दिया है। मैं अपने प्रेम को आपके सिवा किसी और के साथ नहीं बांट सकता। यशोदरा खुशी से ठाकुर जी के सीने से लग जाती है। अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। ठाकुर जी ने थोड़ी देर यशोदरा को रोने दिया, फिर उसे उठाया। उन्होंने यशोदरा को बड़े प्यार से निहारा, जो उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और सारे गिले शिकवे पल में दूर हो गए। आज ठाकुर जी ने अपना सारा प्यार अपनी यशो पर लुटा दिया। बाहर बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। आज यशोदरा को अपने पूजा पाठ और त्याग का सारा फल मिल गया था। ये बहुत बड़ी बात थी कि ठाकुर जी ने यशोदरा से प्रेम की खातिर अपने पुत्र के मुंह का भी त्याग कर दिया था। यशोदरा को आज खुद पर नाज हो रहा था और ठाकुर पर रह रह के प्यार आ रहा था। आज ठाकुर जी ने भी यशोदरा का प्रेम में एक नया रूप देखा था। जब भी बिजली चमकती, रोशनी में यशु के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। उसके चेहरे पर उसकी संतुष्टि के भाव साफ पता चलते थे। आज ठाकुर जी के अंदर का सारा बोझ हट गया था। ठाकुर के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई थी। सुबह हुई, सारी रात के बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला सा लग रहा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी। यशोदरा की आंखें खुली, उसे देखा, ठाकुर जी बेसुध सो रहे थे। यशु ने मुस्कुरा कर देखा और कमर तक पड़ा हुआ चादर कंधे तक उड़ा दिया और धीरे से वहाँ से उठ गई। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा तो उसे महसूस हुआ उसका मन बिल्कुल शांत है। वो नहाने चली गई, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को धन्यवाद किया। आज उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, अच्छा श्रृंगार किया और घुंघरू वाली मोटी पाजेब पहनी। ठाकुर जी की कही भी बातें याद कर उसके चेहरे पर बार बार मुस्कान आ जाती थी। आज गुनगुनाते हुए नाश्ता बनाने लगी। आज हर तरफ खुशहाली लग रही थी, सब कुछ सुहाना था। घर की लक्ष्मी खुश हो तो घर में बरकत और रौनक रहती है। इमरती को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। उसने उत्सुकता में पूछ ही लिया, मालकिन आप आज कुछ अलग लग रही हैं, क्या बात है? यशोदरा मुस्कुरा दी, मुझे मत देख, अपना काम कर। दिन यूं ही चलते रहे। एक दिन अचानक यशोदरा की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर गई। जब उठी तो उसे उल्टियां होने लगी, पूरा घर परेशान हो गया।
ठाकुर जी बाहर गांव गए थे उन्हें संदेशा भेजा गया। ठाकुर जी अपना काम अधूरा छोड़कर डॉक्टर को लेकर घर आए। यशोधरा ने कहा, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। ठाकुर जी बोले, डॉक्टर ज़्यादा जानते हैं ना। यशोधरा चुप हो गई। ठाकुर जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब जो दवा हो बता दीजिए, हम मंगा देते हैं, ये अपना ख्याल नहीं रखती है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, दवा नहीं मिठाई खिलाइए, इन्हें नहीं हमें, और अब तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ठाकुर जी बोले, क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, आप फिर से पिता बनने वाले हैं। यशोधरा ने सुना तो अपना मुंह दोनों हथेलियों में छुपा लिया। ठाकुर जी नौकर को पैसे देते हुए खुश होकर बोले, हे महादेव आपकी कृपा है, डॉक्टर साहब के लिए और सभी के लिए मिठाई लेकर आओ। डॉक्टर को झेप कर बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ठाकुर साहब हंस कर बोले, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरे 9 महीने ठाकुर जी ने और पूरे परिवार ने यशोधरा का पूरा ख्याल रखा। तीनों लड़कियां भी बहुत खुश थी कि भाई आने वाला है, राखी बांधेंगी। यशोधरा को जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे घबराहट बढ़ रही थी। वो दिन रात भगवान से पुत्र की कामना कर रही थी और ठाकुर जी को वो खुशी देना चाहती थी जिसकी उनके जीवन में कमी थी, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था। ठाकुर जी भी चिंतित थे परंतु जता नहीं रहे थे। दाई माँ मालिश करती हुई कहती है, ठाकुराइन पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, बाबा की दुआ कभी खराब नहीं जाती। आखिर वो दिन भी आ गया जब ये पता चलना था कि ठाकुर जी का त्याग और यशोधरा की अच्छाई का फल उन्हें मिलेगा कि नहीं। रात को यशोधरा को दर्द शुरू हुआ, जब असहनीय हो गया तब उसने ठाकुर जी को जगाया। ठाकुर जी ने ड्राइवर को जगाकर दाई माँ को बुलाने के लिए भेजा। 20 मिनट में दाई माँ प्रकट हो गई। दाई माँ ने इमरती को सूती साड़ी और गर्म पानी लाने को कहा और ठाकुर जी को कहा, मालिक आप बाहर इंतजार करें, जो होगा हम बता देंगे। नौकर ने कुर्सी लाकर रख दी पर ठाकुर को चैन कहाँ, वो तो टहलने लगे। पहले भी उनकी 3 पुत्रियाँ भी, परंतु आज बात अलग थी। उनकी बेचैनी पहली बार बाप बनने से भी ज़्यादा थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे पर फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में पुत्र की चाह भी थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस बार पुत्र ही हो। पुत्र के जन्म से उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी थी। उन्होंने सिर्फ लड़कियों का पिता कहलाना उसे पसंद नहीं था। मन ही मन भगवान से विनती कर रहे थे, पुत्र की कामना के लिए मनोतियाँ कर रहे थे। ठाकुर जी ने चिंतित होते हुए कहा, आज इतनी देर क्यों हो रही है? उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ साथ उनके टहलने की रफ्तार भी। इमरती जो कि बाहर खड़ी थी, ठाकुर जी से नहीं रहा गया तो कहा, अरे ओ इमरती जाकर पता कर तो इतनी देर क्यों हो रही है, सब ठीक है ना? इमरती ने कुंडा खटखटाया। अंदर से दाई माँ आई जो बहुत परेशान लग रही थी, बोली, इमरती तू जरा अंदर तो आ। ठाकुर जी ने दाई माँ को देखा तो दौड़कर पास आए। उन्होंने पूछा, दाई माँ सब ठीक तो है ना? दाई माँ को रुआसी देखकर ठाकुर जी फिर से बोले, बोलिए दाई माँ क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? दाई माँ क्या बतलाऊँ, लल्ला नाल बच्चे के गले में फंस गई है, बच्चा उल्टा भी है, बच्चे का वजन भी ज़्यादा है, बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, आज इतने वर्षों में पहली बार है कि मुझे भी डर लग रहा है कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। दाई माँ के मुँह से अनर्थ सुनकर ठाकुर घबरा जाते हैं। अब ठाकुर सब घबरा कर पूछते हैं, अनर्थ कैसा अनर्थ? दाई माँ साफ साफ बताइए, मालिक बच्चा आधा फंसा हुआ है, गले में नाल लिपटी हुई है, ठाकुराइन बहुत दर्द बर्दाश्त कर रही है पर अब ताकत नहीं बची है, वो बेहोश हो रही है, मुझे डर है कि कहीं हम एक को ना खो दें। ठाकुर साहब बोले, मतलब? दाई माँ मतलब ये मालिक, दाई माँ ने डरते हुए कहा, शायद माँ और बच्चे में से कि एक ही बचे। ठाकुर साहब की आंखें अनर्थ और आशंका से फैल गई। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मैं किसी को भी नहीं खो सकता, दाई माँ ने चिंतित होकर कहा। ठाकुर जी आप डॉक्टर को बुला लीजिए, डॉक्टर साहब तो कल ही शहर में गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। दाई माँ आप घबरा कर कहती हैं, हे भगवान अब तुम ही रक्षा करो, और हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगती है। तभी इमरती भागती हुई आई, दाई माँ जल्दी चलिए मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
ये कहकर फपक कर रोने लगी। उसका रोना देखकर ठाकुर जी भी घबरा गए। दाई माँ जल्दी से अंदर गई। दाई माँ ठाकुराइन, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, यशोदरा दर्द से कराहते हुए बोली। दाई माँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या हुआ है। दाई माँ, बच्चा उल्टा है परंतु बहुत स्वस्थ है, बस थोड़ी देर और लगेगी, आप परेशान ना हो। यशोदरा, मैंने सुना आपने बाहर ठाकुर जी से कहा कि दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। दाई माँ, आप बच्चे को बचाइए, अगर वो लड़का है तो ठाकुर जी का वंश बढ़ेगा, और अगर लड़की है तो मैं ठाकुर जी का सामना करने के लिए जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी अंतिम इच्छा मानकर कृपया मुझे बताइए कि क्या हुआ है। दाई माँ रोते हुए कहती हैं, लड़का है मालकिन। यशोदरा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। दाई माँ कोशिश में लगी थी, माँ और बच्चे दोनों अपने सुध खो रहे थे। दाई माँ के भी हाथ पांव फूल रहे थे। अब उसके सामने समस्या थी कि किसे बचाए किसे नहीं। यशोदरा ने तो कह दिया बच्चे को बचाइए। दाई माँ हिम्मत करके कहती हैं, ठाकुराइन बस मुझे एक पल का समय दीजिए, मैं अभी आई, आस ना छोड़िएगा। दाई माँ दौड़ते हुए बाहर गई। ठाकुर जी सर पर हाथ रखकर बैठे थे, उनकी आंखें लाल थी। दाई माँ को देखकर उनके पास दौड़ कर आए। दाई माँ ने ठाकुर जी से कहा, मालिक समय बहुत कम है, अब सब आपके हाथ में है, मैं बहुत दुविधा में हूँ, माँ या बच्चा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर जी बोले, दाई माँ इसमें आपको सोचना क्या है, यशोदरा को बचाइए। दाई माँ घबरा कर कहती है, लेकिन बच्चा एक लड़का है, मालकिन ने कहा है कि मैं बच्चे को बचाऊं। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए, कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। दाई माँ मेरा जवाब नहीं बदलेगा, आप मेरे यीशु को बचाइए, जो बच्चा आज आया है मुझसे उससे इतना प्रेम नहीं है कि मैं उसके लिए अपने यशोदरा को हत्या कर दूं। यशोदरा मेरा प्रेम है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, भले ही मुझे निवंश रहना पड़े, मैं ऐसे बालक की शक्ल भी जीवन भर नहीं देखूंगा जो अपनी माँ की मौत का कारण बने। आप जाइए दाई माँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, ना मुझे अपने फैसले पर कभी अफसोस होगा, खुद को कठोर करते हुए ठाकुर जी ने कहा। दाई माँ जल्दी अंदर गई। अब उन्हें पता है कि क्या करना है, उन्होंने भी मन पक्का किया और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ी। आज दाई माँ की भी परीक्षा ही है, ठाकुराइन को जगा कर रखना बहुत जरूरी था। एक नई ब्लेड को आग में गर्म करते हुए दाई माँ ने यशोदरा को आवाज़ दी, ठाकुराइन ओ ठाकुराइन, अब तक इतना सब झेला, आज हार मान रही हो। ठाकुराइन बोली, दर्द से नहीं दाई माँ, हार नहीं मान रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। ठाकुर जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे, दाई माँ ने बेंग से कहा। वाह रे ठाकुराइन, तू तो बड़ी होशियार समझती है खुद को, जब तू मर जाएगी तो ऐसे दूध मुए बच्चे को कौन पालेगा। दाई माँ ने धीरे से देखा, ठाकुराइन ने आंखें खोली। दाई माँ मन ही मन मुस्कुराने लगी, तुमने क्या सोचा ठाकुराइन, लड़का होने से ठाकुर जी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, अब तो दूसरा विवाह ना चाहते हुए भी मजबूरी में करना पड़ेगा, क्यों ही मरती, इन चारों बच्चों को कौन संभालेगा, कोई मर्द बिना औरत के नहीं रह सकता, बच्चों को संभालने के बहाने ही सही दूसरा विवाह तो अब होकर ही रहेगा, फिर कौन कैसा आए ये तो प्रभु ही जानते हैं, पता नहीं बिन माँ के बच्चों का साथ कैसा व्यवहार करे, कौन उसे रोकेगा, ठाकुर जी घर में तो नहीं रहते, पूरा दिन मासूम बच्चे और सौतेली माँ। यशोदरा ने दाई माँ की बात सुनकर घबरा कर, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। दाई माँ तो मत मरो न ठाकुराइन, दाई माँ पास आकर बड़े प्यार से यशोदरा के बाल को सहलाते हुए बोली, जीने की इच्छा करो और मेरी कोशिश में मेरा साथ दो, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बचा सकती है। बहू तुम चाहती हो बच्चा बचे, ठाकुर जी तुम्हें बचाना चाहते हैं। ठाकुराइन ने सुना तो आश्चर्य से दाई माँ को देखा, हाँ बहू मालिक आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे का मोह नहीं है, उन्होंने कहा ऐसे बच्चे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। यशोदरा नहीं, दाई माँ आगे कहती है, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम दोनों को बचाना चाहती हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जिंदा रहोगी तभी ना मुझे कान के बाले दोगी। दाई माँ ठाकुराइन मरती सब डरे हुए थे,
कभी भी कुछ हो सकता था, पर तीनों एक साथ मुस्कुरा दिए। मैं बच्चे को बचाने की कोशिश करती हूँ, पर तुम्हें खुद को बचाना होगा और मेरा साथ देना होगा। आज मैं वो करने जा रही हूँ जो पहले कभी नहीं किया। गर्म ब्लेड को फूंक मारकर ठंडा करते हुए दाएं माँ बोली, तुम्हें बहुत कष्ट होगा, पर तुम्हें सहना होगा, नहीं तो जो भविष्य में इन बच्चों के साथ जो होगा तुम परलोक से भी नहीं देख पाओगी। ठकुराइन ने एक सांस भरी और जोश के साथ बोले, आपको जो करना है कीजिए माँ, अब आप मेरी एक आह भी नहीं सुनेंगी। दाएं माँ का विश्वास भी बढ़ गया। दाएं माँ और इमरती की नज़रें मिली, दोनों थोड़ा मुस्कुराई। ठकुराइन को जोश दिलाने का फायदा हुआ। बच्चा उल्टा था, आधा बाहर आ गया था, सर में उसके नाल फंसी थी। दाई माँ ने भगवान का नाम लिया और इमरती को पैर पकड़ने का इशारा किया। इमरती ने जैसे पैर पकड़े यशोदरा ने आंखें मूंद ली। जब मैं कहूँ तो जोर लगाना बहू। यशोदरा, हाँ। दाई माँ ने सावधानी से चीरा लगाते हुए कहा, जोर लगाओ बहू। यशोदरा ने अपनी सारी ताकत लगा दी। दाई माँ ने बच्चे को जन्म दिला दिया। बच्चे के गले में नाल निकाल दिया, जल्दी से नाल काट कर गांठ लगाया। इमरती को इशारा किया यशोदा का भी खून साफ करके दवा लगाने का, जो उसने पहले ही समझा दिया था। लेकिन ये क्या, बच्चा तो मुरझा गया था, रोया भी नहीं। दाई माँ परेशान हो गई, बच्चे को उल्टा करके उसकी पीठ रगड़ी, पर कुछ नहीं हुआ। ठकुराइन दर्द से कराह रही थी, दाई माँ ने कहा। तब यशोदरा का ध्यान दाई माँ की तरफ गया। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, मेरा बच्चा ठीक है ना? उसे चिंता होने लगी। तभी दाई माँ ने बच्चे को पैर से पकड़कर उल्टा किया और उसकी पेट पर दो तीन बार ठोका तो बच्चा रोने लगा और उसके रोने से बहुत से लोगों की खुशी के आंसू निकल आए। दाई माँ, इमरती और यशोदरा सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट। यशोदा अपना सारा दर्द भूल गई। ठाकुर जी ने भी बच्चे की रोना सुनकर पलके गीली हो गई, लेकिन मन शंका से भर गया कि कहीं यशोदरा को कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी इमरती ने दरवाज़ा खोला और दौड़कर ठाकुर जी के पास आई और बोली, लड़का हुआ है। ठाकुर जी ने कठोर सुर में डरते हुए पूछा, और यशोदरा? मालकिन भी ठीक है। ये सुनते ही ठाकुर जी ने अपनी सोने की अंगूठी निकाल कर इमरती को दे दी। इमरती खुश हो गई और अंदर चली गई। ठाकुर जी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी बड़े ठाकुर आ गए, बोले, क्या हुआ आदित्य, सब ठीक है ना? छोटे ठाकुर ने पिताजी के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिए, परंतु अपने आंसुओं की धारा को नहीं रोक पाए। कुछ देर में खुद को संयमित करते हुए कहा, हाँ पिताजी, अब सब ठीक है। बड़े ठाकुर साहब ने भी राहत की सांस ली। दाई माँ बच्चे को लेकर बाहर आई तो बच्चे को लेकर बड़े ठाकुर साहब के पास गई। छोटे ठाकुर साहब ने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं, बस इतना पूछा, क्या मैं यशोदरा से मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मालिक, हंसते हुए दाई माँ ने कहा। ठाकुर साहब कमरे में गए। ठाकुर ने उसके माथे के पसीने को पोंछते हुए कहा, आज पुत्र को उपहार में देकर तुम मुझे छोड़ना चाहती थी? इस त्याग ने मुझे तुम्हारा रीढ़ी बना दिया। यशोदरा, आपने भी तो मेरे जीवन के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा का त्याग कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज मेरे दिल में आपके लिए सम्मान और बढ़ गया है। जानती हो यशु, जब तुम मेरे साथ ही थी तो मुझे तुम्हारे होने का एहसास नहीं होता था, परंतु तुम्हारे ना होने का एहसास उस कल्पना मात्र से मेरी आत्मा कांप गई। तुम्हारे ना होने से मैं अपने वजूद की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये कहकर ठाकुर ने यशोदरा को गले लगा लिया। कहानी सुनाते सुनाते यशोदरा जी की आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटा, ये कहानी किसकी है? ये कहानी मेरी है। ठाकुर साहब ने मुझसे तो कहा क्या कि उनको छोड़कर कभी मत जाना, परंतु खुद मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। बेटा, जब मैं तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, मैंने तभी सोच लिया था, जो कुछ मैंने सहा है वह मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगी। वैसे भी अब जमाना बदल गया है, बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं रह गया। यशोदरा जी की कहानी सुनकर राजलक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो कहने लगी, माँ, वो तो पिताजी थे जो आपसे इतना प्यार करते थे,
क्या भानु जी भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं? हाँ बेटी, भानु भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो चलो, भानु की भी हम एक परीक्षा लेंगे। तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और उसे तुम ज़्यादा प्यारी हो। बेटा नहीं, राजलक्ष्मी के चेहरे पर थोड़ी राहत नज़र आ रही थी। यशोधरा जी से उसे अच्छी तरह समझा बुझा कर अपने कमरे में आ गई और ये अतीत की यादों में फिर से खो गई। कुछ दिनों बाद बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आ गया। राजलक्ष्मी तबीयत खराब हुई तो यशोधरा जी और भानु प्रताप सिंह उनके हॉस्पिटल लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यशोधरा जी ने डॉक्टर से अकेले में मुलाकात की और कुछ समय बाद वो भानु प्रताप के पास आई और कहने लगी, आपकी पत्नी की कंडीशन बहुत ख़राब है, हम बच्चे और माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं, बताइए कि किससे बचाना है। ये सुनते ही भानु प्रताप सिंह घबरा गए। यशोधर आज भी वही खड़ी थी और अपने बेटे के चेहरे को ध्यान से पढ़ रही थी। बिना कुछ सोचे ही भानु प्रताप सिंह का कि आप मेरी पत्नी को बचाइए, तभी डॉक्टर ने कहा कि सोच लीजिए, बेटा है और आपकी पत्नी इसके बाद फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। अगर आपने बेटे को खो दिया तो आपके बस दो बेटियाँ ही रह जाएंगी। अगर आप चाहें तो अपने बेटे को बचा सकते हैं। भानु प्रताप सिंह ने बिना एक क्षण सोचे कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मेरे दो बेटियाँ हैं, वो किसी भी बेटों से कम नहीं है। मुझे बेटा नहीं चाहिए, आप मेरी पत्नी को बचाइए। यशोधरा जी के हाथ में मोबाइल था और लाइन पर राजलक्ष्मी थी और सारी बातें अपने कानों से साफ साफ सुन रही थी। अपने पति का प्यार देख कर उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। यशोधरा जी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और फिर अंदर लेबर रूम में अपनी बहू के पास आ गई। यशोधरा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे कि उनका बेटा भी अपने पिता के जैसा ही है। राजलक्ष्मी के पास आकर यशोधरा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, क्यों बेटा, मैंने कहा था ना कि हमें बेटे और बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुमने अपने कानों से सारी बात सुन ली ना। मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है कि उसे बेटे की ज़रूरत ही नहीं है, उसे बस तुम्हारा साथ चाहिए। भगवान जो भी दे वो हमें मंजूर है। राजलक्ष्मी अब बहुत खुश थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यशोधरा जी लेबर रूम से बाहर आ गई। कुछ घंटों बाद नर्स उनके पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। और भानु प्रताप सिंह के पास जाकर कहने लगी, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। भानु प्रताप सिंह ने अपनी जेब से बहुत सारे रुपए निकाले और नर्स को थमा दिए। भानु प्रताप सिंह ने राजलक्ष्मी के बारे में पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है, तो नर्स ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, माँ और बेटा दोनों ठीक हैं। भानु प्रताप सिंह की आंखों में आंसू आ गए। अभी कुछ घंटे भानु प्रताप सिंह के लिए बहुत भारी गुजरे थे। एक एक पल एक एक सदी के बराबर लग रहा था। भानु प्रताप सिंह ने नर्स से कहा, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? तो नर्स ने कहा, जी आप मिल सकते हैं। भानु प्रताप सिंह राजलक्ष्मी से मिलने के लिए गए तो घबरा कर कहने लगे, राज आज मैं बहुत घबरा गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता, किसके सहारे जीता, मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं रही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। और राजलक्ष्मी को गले से लगा लिया। राजलक्ष्मी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह जा रहे थे। आज उसकी सास ने जो किया था वो कमाल था। दोनों पति पत्नी के बीच छिपे हुए प्रेम को उसकी सासू माँ ने बाहर ला दिया था। तभी यशोधरा जी और डॉक्टर दोनों हंसते हुए अंदर आती हैं। डॉक्टर साहिबा और यशोधरा जी को हंसते हुए कह देख कर भानु प्रताप सिंह अचंभित हो जाते हैं कि उनकी पत्नी की तो तबीयत खराब है और ये दोनों हंस रही हैं। तभी डॉक्टर साहिबा भानु प्रताप सिंह की नज़रों को देखकर समझ जाती हैं और कहती हैं, भानु जी आपकी पत्नी और बेटा दोनों ही सही थे, माँ और बच्चे में से एक को बचाने के बारे में मैंने आपसे झूठ बोला था और ये सब आपकी माता जी ने मुझसे करवाया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। भानु प्रताप सिंह अचंभित होकर अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो यशोधरा जी मुस्कुराकर कहती हैं कि बेटा
अब मैं क्या करती, मेरी बहू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। उसे विश्वास दिलाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। अब देखा इस नाटक में कितना फ़ायदा हुआ। अब तुम्हें भी पता चल गया है ना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी की क्या स्थान है। अब भानु प्रताप सिंह कभी अपनी माँ को देखते, कभी अपनी पत्नी को देखते और कभी डॉक्टर साहिबा को देखते। जब उनकी सब समझ में आ गया तो खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़े। एक दिन में ही राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और भानु प्रताप सिंह उन्हें खुशी खुशी अपने घर ले आए और अब राजलक्ष्मी के मन को पूर्ण संतुष्टि मिल गई थी। ठाकुर आदित्य प्रताप सिंह और ठाकुर भानु प्रताप सिंह का निर्णय आपको कैसा लगा? आपके सामने ये स्थिति आती तो आप क्या फैसला लेते, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।